वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो आज के वाली वीडियो में हम लोग जा रहे हैं इस सिटी के सबसे बड़े गैंगस्टर, सबसे बड़े माफिया डगन बॉस को मारने के लिए। क्योंकि यार जब से ये बंदा शहर में आया ना, इसने यार हमारा जीना मुश्किल कर डाला है। इसको मारने के हमने सारे तरीके ट्राई कर लिए पर हर बार बच निकला। यहाँ तक कि मिलिट्री का सबसे पावरफुल टैंक चुरा कर भी इस पर अटैक करा, तब भी हमसे बच गया, क्योंकि इसको मारना इतना आसान नहीं है। इसके पास इसकी खुद की एक बहुत बड़ी आर्मी है जिसमें बहुत पावरफुल लोग, बहुत पावरफुल वेपन्स और बहुत सारे पावरफुल व्हीकल्स है। ये बंदा क्या कर रहा है? इसके पीछे कुत्ता पड़ गया क्या भाई? या रनिंग करने आया यहाँ पर ग्रेवयार्ड में? खैर, ग्रेवयार्ड से याद आया, आज इस ग्रेवयार्ड में एक और नए बंदे की लाश आ जाएगी और वो है डगन बॉस की। तो देखो, सीन हुआ ऐसा है कि डगन बॉस को मारने के लिए चाहिए थी एक बहुत तगड़ी प्लानिंग, और वो प्लान लेस्टर मुझे पूरा का पूरा समझा चुका था लास्ट वीडियो में। आप लोग को याद होगा भाई, उस बंदे ने डगन को मारने के लिए खुद को किडनैप करवा लिया डगन से, ताकि वो उसके घर पर जाकर उसके CCTVs वगैरह हैक कर पाए। खैर, जो पूरा प्लान है वो आपको समझ आ जाएगा, बट उस प्लान को समझाने से पहले हमें अगर आज इस मिशन को पूरा एग्जीक्यूट करना है, डगन बॉस को आज अगर हमें मारना है, तो हमें चाहिए होंगे अपने कुछ पुराने दोस्त ट्रेवर और फ्रैंकलिन। और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि यार अभी ट्रेवर और फ्रैंकलिन और माइकल तीनों के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। एक चोरी के बाद थोड़े से पैसे बराबर नहीं बटे थे, इसलिए इन तीनों की दोस्ती ख़राब हो गई थी। बट आज बात दोस्ती की नहीं है, आज बात है लेस्टर को जिंदा बचाने की। भाई डगन ने उसे किडनैप कर लिया है, हमने उसका सारा पैसा चोरी करा था क्योंकि हमें बहुत तगड़े वेपन्स खरीदने थे डगन को मारने के लिए। तो अगर हम लोग लेस्टर को नहीं बचाते तो भाई वो लेस्टर को कभी भी मार सकता है यार। तो इसीलिए मुझे कुछ भी करके आज फ्रैंकलिन और ट्रेवर को अपने साथ लाना होगा, क्योंकि वेपन्स का तो जुगाड़ हो जाएगा। लेस्टर ने मुझे नंबर दे दिया था, यूसुफ आमिर करके एक बंदा है, उसके पास सारे तगड़े वेपन्स हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो डगन की पूरी आर्मी को चुटकियों में ख़त्म कर सकती है। बट यार उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यार पहले। ट्रेवर और फ्रैंकलिन अगर साथ नहीं आ पाएंगे तो शायद से ये काम बहुत ज़्यादा अपने लिए मुश्किल हो सकता है। तो चलते हैं यार फ्रैंकलिन के पास, काश अपनी दोस्ती पुरानी हो जाए, और अगर दोस्ती भी नहीं होती तो एटलीस्ट लेस्टर को बचाने के लिए ये दोनों अगर साथ आ जाए तो हम लोग ये मिशन को एकदम अच्छे से कर सकते हैं।